ये आस्था का विषय है। भगवान राम के लिए हर कोई कुछ न कुछ करना चाह रहा था। ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म की है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों का भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और उसी कड़ी में मुझे लगा कि हम भी अपने से कुछ कर सकते हैं, तो मैंने अपनी कला का प्रयोग करके गुलाबी मीनाकारी की ये राम मंदिर बनाया है। पूरा देश भगवान श्री राम की आस्था के सागर में डूबा हुआ है। राम के नाम पर हर कोई मेहनत कर रहा है और हर कोई किसी न किसी तरह से श्री राम मंदिर से जुड़ने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में वाराणसी के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुलाबी मीनाकारी कारीगर कुंज बिहारी ने सोने चांदी और हीरे का उपयोग करके श्री राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। इस मंदिर को बनाने में कलाकार को 108 दिन लगे हैं। हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको अपने हाथ से भगवान श्री राम को समर्पित करें, तो हम धन्य हो जाएंगे। और ये 108 दिनों में तैयार हुई है। इसके 108 अलग अलग हिस्से हैं। गुलाबी मीनाकारी जो सोने और चांदी से बनती है, और इसमें हीरे भी लगे हुए हैं। इसमें भगवान राम की सोने की प्रतिमा है, जिसके स्थापना के बाद ही आसान हुआ बनना, नहीं तो हम लोगों को लग रहा था शायद ये नहीं बन पाए। और हम लोग इसको भगवान राम की धुन पे ही सुनते हुए, उनको गुनगुनाते हुए बना पाए हैं। ये उन्हीं की कृपा है जो हम इसको पूरा कर पाए। 108 इसके अलग अलग हिस्से हैं। इसमें शिखर में डायमंड का प्रयोग हुआ, हीरों का प्रयोग हुआ है। और इसकी प्रतिमा जो है भगवान राम की प्रतिमा सोने की है। ये पूरे चांदी में ही बनी है और ये करीब पूरा 2.5 किलो इसका वजन है। इसमें डायमंड किस प्रकार लगा है, कौन सा डायमंड है? इसको अनकट डायमंड बोलते हैं और ये शुद्ध डायमंड ही होता है। और ये उस पे इसके शिखर पे लगा हुआ है। वाराणसी के गायघाट के कलाकार ने पहली बार गुलाबी मीनाकारी में श्री राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने का दावा किया है। लाइट मैंने इसलिए लगाई ताकि अंदर भगवान राम की प्रतिमा दिखाई दे। और फूल पत्ती में ज्यादातर मैंने राष्ट्रीय चिन्ह कमल का प्रयोग किया है, जिससे हमारे भारत माता का भी जो है मान हो। गुलाबी मीनाकारी ऐसी विधा है जिसमें सोने और चांदी का प्रयोग होता है। इसपे आर्ट इसके कलर मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, जैसे ब्लू कोबाल्ट, व्हाइट टाइटेनियम, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम, ब्राउन मैग्नीशियम। और इसका पिंक जो होता है वो गोल्ड से बनता है, गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। और इसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं। और ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस में हीट होता है। ये GI प्रोडक्ट भी है और ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको ODOP का भी दर्जा दिया है, 1 District 1 Product। हम चाहते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के 500 वर्षों की प्रतीक्षा को खत्म किया है, वैसे ही ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जो है भगवान राम को समर्पित हो, यही मेरी इच्छा है। इस राम मंदिर की प्रतिकृति का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम है और यह 8 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी है। भगवान राम मंदिर की प्रतिकृति में 108 भाग हैं। मंदिर की प्रतिकृति में रामलला की स्वर्ण मूर्ति भी है।